हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सलमान खान इन कपिल शर्मा शो। तो फ्रेंड, चलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सलमान खान तो पहले से वैसे उसके लोग बोलते हैं ठीक है। करते हैं ये वो टैग था, टाइगर की कैटरीना माशाल्लाह वाला सॉन्ग कर रही थी ना। अरे तो कोई कार्यक्रम के डांस करने से बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पहले कि सलमान खान स्वयं, सोहेल खान स्वयं और मिस डेजी सब यहाँ पर आए हुए। हाय हाय, आई एम सो एक्साइटेड। और आज मुझे मानना पड़ेगा मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर शर्मा आप बहुत ही बड़े आदमी और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपके। शर्मा कहने जा रही और आपकी तो फैन मैं हूँ ही साथ साथ में, लेकिन सोहेल जी आपने जो बॉडी बना रखी है, पहले मर्तबा सलमान खान को किनारे करके जो है वजह से दिन में तीन बार जिम के बाहर से गुजरती हूँ। सच में मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी भी ना एकदम आपके जैसी हो, मतलब आप जरा मुझे गौर से देखिए थोड़ा और फिर बताइए कि मतलब क्या स्कोप क्या है मेरा भी ऐसे, मतलब आपने बहुत अच्छी बॉडी खराब तो की हुई और क्या चाहिए। आई एम सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं यहाँ देख रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। चूंकि आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो इतना तो बनता है कि मैं कुछ मांगू आपसे। रोटी मांगेगी पक्का। ये किसी से भी मांग लेती, पता एटीएम मशीन के बाहर जाके बोल रही होती कि कार्ड में इंसानियत ना दे दे कुछ। क्यों आप ट्राई करते हैं ये सब? बातें चल रही है ना। खैर भाई, ऐसी वैसी चीज नहीं मांग रही, मुझे बस आपसे टिप्स चाहिए। ओके, भीख मांग रही है कहने का मतलब तो यही हुआ ना। भीख नहीं कहते उसे, टिप्स कहते हैं। टिप्स? हाँ, एक दो रुपए हो तो भीख हो गया, दस बारह हो गए तो टिप। क्या कर रहे हैं आप? टिप, टिप नहीं, टिप्स। एस, एस, एस की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। सोचिए आपके नाम से अगर मैं एस निकाल दूं तो क्या रह जाएगा? कपिल। अच्छा लगेगा अगर अलमान खान, ओहेल खान। देजी शाह तो छोड़ दिया, देजी शाह में तो भी ऐसे। सबसे तो पहले देजी शाह का वो तो गौर ही नहीं किया। सलमान खान तो अच्छे से बैठ में जाए। सबसे ज्यादा गलत एस तेरा लगा हुआ है, चीज नहीं है ही नहीं तू। मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगा। कुछ ऐसा बता सकते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जो मैं करूं और मुझे पता भी ना चले कि मैंने करी, मतलब हो जाए। प्रार्थना करो। वाओ, क्या बड़ा सर। बॉडी के लिए प्रार्थना करो, यानी कोई बात नहीं, मतलब अगर और प्रार्थना तो मैं कर ही लूंगी। वैसे सलमान जी, चूंकि मेरी बॉडी और मेरे फिगर के बारे में ऐसी बात मतलब छिड़ ही गई है। कब छिड़ी? तो साथ साथ में आप भी बताइए ना कि आप काफी न्यू कमर्स को मौका देते हैं ऐसे। मतलब आपके सामने एक हैपनिंग सी लड़की खड़ी है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? न्यू कमर को जवाब देने की जरूरत है जब यहाँ ऐसे बात करते हैं, तो यहाँ ऐसे बात करने का क्या फायदा? यूं हो रही है ना स्ट्रेट। वो छोड़िए, लेकिन मैं ना आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, और चूंकि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ तो मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। वैसे तो आप टाइगर के लिए शेर लिखा, तो मैं अपना शेर सुनाऊँ आपको? अर्ज किया है, आपको देख के मेरे दिल में फूल खिले हैं ताजे ताजे। आपको देख के मेरे दिल में फूल खिले हैं ताजे ताजे। वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत मजा आया।
और पहली बार है कि जब सलमान खान की बॉडी के आगे जो है किसी ने जो है सोहेल खान की बॉडी को प्रेफर किया कि आपकी बहुत बेहतरीन बॉडी है, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि सलमान खान की जैसी तो बनी नहीं है तो सोहेल खान की ही बना लेते हैं, सोहेल खान की जैसी कुछ एडिट्स मिल जाए तो उनके जैसी बन जाए, और ये भी है कि मेहनत भी नहीं करना है कि पता भी ना चले और मेरी एक्सरसाइज हो जाए, तो वाओ क्या स्मार्ट आंसर दिया है सोहेल खान ने कि प्रार्थना करिए, प्रार्थना इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। और सलमान खान कितना ज्यादा हंस रहे थे, इतना ज्यादा हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बाद में उठ के वहां साइड तक चले गए, फिर वापस आके वो जो उन्होंने एस हटाने का बताया कि अलमान खान को है, बाद में हमने सोचा कि डेजी शाह को कैसे इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने डेजी का वाकई बहुत ही फनी था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।